श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद में सजी गुरु रूप खालसा साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सालाना शहीदी जोड़ मेले पिंड ब्राह्मण माजरा विखे मना रही संगतां आपां हर साल मनाउंदे हां। कुरबानी सतगुरां दी इतनी बड़ी है कि हर साल आपां बयान करते हैं पर बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि कुरबानी ही इतनी बड़ी है कि नहीं बयान की जा सकती। सो आपां उस पवित्र धरती चमकौर साहब की युद्ध भूमि दे विच अपना मन लैके जाइए, आपां कोशिश करिए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में साड़ियाँ हाजरियाँ लग जाए। ये 10 मिनट आपां नूं मिले हैं, इन्हां दे विच कोशिश करिए आपां मन करके हाजरी लवा सकीए। वो नक्शा अपने मनां दे विच सिरज लो, चमकौर साहब की युद्ध भूमि दे विच जदों कलगीधर पातशाह पंज प्यारां दा हुक्म मन के चमकौर साहब की गड़ी नूं छड़न लगे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह नूं नाल लैके रस्ते दे विच शरीर पए हन साहिबजादियां दे, शरीर शहीदी पा चुके हन, सिंघां दे शरीर भी पए हन, कलगीधर पातशाह भी लंघ रहे हन, भाई दया सिंह भी, भाई दया सिंह साहिबजादियां दे शरीर कोल आके रुक गए। उत्थे इक कवि ने कविता बना के कुछ सतरां बयान कीतियां हन कि बदलां दे विच्चों बिजली पई सी झमके मार दी, होई रुशनाई जदों सुनहरी जई तार दी, दया सिंह वल निगाह गई सी दतार दी, उत्थे मोह दे नशे दे विच जिंदगी सी झूम दी, बोले गुरु दाता लाश तक के मसूम दी। भाई दया सिंह जदों बाबा जुझार सिंह दी लाश नूं अपने पट्टां उत्ते रह के लै के वैराग दे विच लै के दर्शन कर रहा सी, कलगीधर पातशाह ने कहा, दया सिंह की कर रहे हैं, क्यों रुक गया, आ चलीए। उत्थे दया सिंह ने बचन किए, ओ जिंदगी दे दाते आ, बड़े ही प्यार नाल तू पुत्तां नूं पालिया, जुझार नूं देख के क्यों पैर खिसका लिया, महाराज क्यों ना चुक के एक बार कलेजे नाल ला लिया। महाराज जुझार सिंह दी शरीर पिया ते बाबा अजीत सिंह दा शरीर पिया, महाराज किन्ने ही फट शरीरां ते लगे हुए हन, क्यों महाराज तू दस लगा होया पिछे केड़ी गल दे, पुत्रां दी पीड़ तां पखेरू नहीं भी नहीं झल दे, पंछी भी पुत्रां दी पीड़ नहीं झल दे, वह भी अपने आपां देखदे आं पंछी बच्चियां नूं जे भुखा हुंदा चोगा अपने मूँह च लै के अपने बच्चियां नूं छकाउंदे आ। कहिंदे पुत्रां दी पीड़ तां पखेरू भी नहीं झल दे। एक होर वचन कहा, महाराज जी करदा इत्थे कुछ प्यार जत ला दियाँ, निभाई दी है रस्म जो रस्म निभा दियाँ, पग ला के सीस दी दो टोट के बना दियाँ, अद्धा अद्धा दोहां दे शरीर उत्ते पा दियाँ। एक होर वचन कहा भाई दया सिंह ने, किन्ने ही गरीब मापे जग उत्ते पए ने, कफणों बगैर दस किहदे पुत गए ने। माजां वालिया, गरीबी दुनिया ते बहुत है पर कफणा ते बगैर किस दा पुत्र अज तक नहीं गया, पर तू छड के जा रहे हैं। महाराज ने वचन किया, कहिंदे दया सिंह क्यों दई जाना मोह दियाँ थमिया, सिखा सिखी दियाँ बाटा अजे होर भी ने लम्मिया। दया सिंह सिखी दियाँ बाटा बड़िया लम्मिया ने। कहिंदा महाराज समा अपने कोल, आपां संस्कार कर दईए।
महाराज कहन लगे वेख लै मैदान विच जरा निगाह मार के सिंह भी शहीद होए किन्ने जाना बार के लालां विचों लाल ये भी मापियां दे लाल ने बिना तनखाहों जिहड़े रहे साडे नाल ने जिन्ना चिर इन्हां दा हिसाब नहीं उह मुकदा अजीत ते जुझार दी मैं लाश नहीं उह चुकदा इन्ना सतकार कहिंदे ऐ साडे पुत्तर पए ऐ सिंह जे इन्हां दे कपण सारिआं दे पा सकदा पा दे जे सारिआं दे संस्कार कर सकदा कर दे पर इन्ना समा नहीं है देखो कलगीधर पातशाह ने सानू अपने पुत्र बनाया दमदमा साहब की धरती ते जाके मतामां दे पुछण ते कहा संगतां नू कदे मेहणा नहीं मारिया कि तुहाडे उत्तों वार ते पर मतामां ने पुछिया तां कहा इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सुत चार चार मूए तो क्या भया ए जीवत कई हजार कहिंदे इन्हां नू रखण दे लई जे साडे चार पुत्र कुरबान होवे तां कोई वड्डी गल नहीं वड्डी गल इह है कि ए पुत्र मेरे बच गए पुत्र कहा कलगीधर पातशाह ने दुनियावी पिता होवे अपनी जायदाद अपने पुत्र नू दिंदा है जे पुत्र लायक होवे कलगीधर दी जायदाद दे तुसी हकदार हो जायदाद केड़ी है महाराज कोल कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्व जियां का दाता रे करोड़ा ब्रह्मंडा दे मालक हन पर उना दा उना दी जायदाद दा हिस्सा बनना उना दे पुत्र बनना किवें महाराज ने दस दिता पंज प्यारे हुक्म करदे हन जदों अमर छकदे आ कि ए महाराज कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अज तों तुहाडे धर्म दे पिता हन माता साहब कोल अज तों तुहाडे माता हन धर्म दे जे आपां ने धर्म दे माता माता साहब कौन नूं बनाउणा पिता कलगीधर पातशाह नूं बनाउणा उहनां दी संपत्ति दे वारस बनना सचखंड कलगीधर पातशाह दे कोल है जे उह लैणा आपां ने उत्थे वसणा ਤਾਂ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਣੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਨਿਭਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਤੀ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਥਾਨ ਕਾਏ ਆ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਕਕਾਰ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ